ओके, सो ऐसा है, CVT 1 एंड CVT 2। हेलो हाँ हेलो। सर, মই ট্রাভেলিং কৰিছোঁ স্যার। ক্লাস কেতিয়া পাছত হ'ব স্যার? লাইভ ক্লাস আপোনাৰ এইটো রেলওয়ে? RRB? हाँ सर। हाँ, RRB का देखो, अभी कुछ क्लासेस तो टेक्निकल का दे रहे हैं, हाँ, वो और एपी फर्स्ट फर्स्ट अक्टूबर से हमारा लाइव क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, और अभी सर कुछ, वो हाँ बोलो। कुछ परचेस करना पड़ेगा क्या सर, वो RRB के लिए नहीं, जो मतलब? नहीं, जो लोग हमारे टेक्निकल JM या फिर AM का कोर्स परचेस किया है ना, उसको अलग से कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेस्ट सीरीज जो है ना, इसका RRBJE का, वो टेस्ट हाँ, सीरीज परचेस कर लेना। टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1500 टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं। हाँ देखा है हम। ठीक तो वो क्या होगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, रिपीटेडली उसी को प्रैक्टिस करो। और बाकी जैसा मैं पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बना के रखता हूँ, जैसा बोलेंगे, अगर उतना मान के चलते हो ना, उतना टाइम दे देते हो, सिलेक्शन अच्छा पक्का है तुम लोगों का। आरआरबी जेई का एक चीज याद रखना, यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा ना टेक्निक और स्किल पे ज्यादा ध्यान देना है ना। ठीक है सर। हाँ बोलो, कुछ बोलना है तो बोलो। सर वो उस सिलेबस आउट हो गया क्या सर, और एग्जाम कब ऐसा होगा? इस ईयर को हो हाँ जाएगा क्या सर एग्जाम, इस साल हाँ को? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, RRBJEE बाई दिसंबर लास्ट तक हो जाना चाहिए CVT 1। CVT1। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। देखो, हाँ नेक्स्ट सर। मंथ अक्टूबर पे कुछ टाइम हमारा लॉस हो जाएगा, फेस्टिव सीजन है, तो पूजा वगैरह में कुछ दिन तो लॉस होगा ही होगा, है ना। हाँ सर। तो उस पूजा ऐसा एक टाइम होता है कि आप चाह के भी मन नहीं बना सकते हो कि चलो मैं बैठता हूँ और पढ़ता हूँ, तो वो 2-4 दिन लॉस होना ही होना है। दूसरा है सर। कि उसके बाद रहेगा नवंबर हाथ में, दिसंबर का लास्ट तक हो जाना चाहिए CVT 1। सो टाइम आपके हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है, आपको तैयारी एकदम जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए। अब मैं उसी चीज को डिस्कस करने के लिए ही यह सेशन रखा हूँ। एक काम करते हैं, हाँ सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जैसा तुम बोल रहे सर, हो। वो समझ रहा हूँ। हाँ, सिलेबस डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है, बताना। ठीक हाँ सर। है, देखो सर वो आप ग्रुप में सिर्फ दे दीजिए ना सर, ये सिलेबस का, क्या चीज। ये जो आप PDF सेंड कर दीजिए ना सर ग्रुप हाँ में। कर, ठीक ठीक है, कर देगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। सिलेबस वैसे भी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। अभी सर देखो, CVT 1 जो है ना, CVT 1 एंड 2 दोनों ही मैंने सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ है आप लोगों के लिए। पहला चीज है मैथमेटिक्स, जो 30 मार्क्स का आने वाला है, 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ से अगर सर आप देखते हैं ना, यहाँ यहीं से मुझको कितना मार्क्स मिल रहा है, 55 मार्क्स ओनली फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट से 55 नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। सर उसके बाद आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में ओनली 15 नंबर्स है, लेकिन एक चीज है, जनरल अवेयरनेस CVT 1 में भी है, CVT 2 में भी है। ठीक है, दोनों सो में भी है क्या सर, हाँ, तो जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस दोनों में आएगा, यहाँ पे भी 15 नंबर का आएगा और CVT 2 में भी 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, फिर जनरल साइंस में देखो, 30 मार्क्स का आएगा CVT 1 में एंड 15 नंबर्स का आएगा CVT 2 में। अब CVT 1 में PCB, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसको लाइफ साइंस बोल के रखा है सिलेबस पे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के 30 नंबर्स है, 30 मार्क्स। इसका मतलब दस फिजिक्स का 10 नंबर होगा, केमिस्ट्री का 10 नंबर होगा, बायोलॉजी का 10 नंबर होगा। मार्क
और सीबीटी टू में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी नहीं रहेगा। ठीक, तो 15 नंबर का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन सीबीटी वन में नहीं है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं है, टेक्निकल एबिलिटी सीबीटी वन में नहीं है। तो हम अगर इसको बहुत बढ़िया से अगर देखें कि हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथमेटिक्स पे, जनरल साइंस पे, क्योंकि देखो जनरल साइंस बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे आपको, क्लास 10th लेवल का एनसीईआरटी है ना, और दैट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल। टेक्निकल लोग हैं, इजीली कर सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी का कुछ देखना पड़ेगा, बाकी में इसका पूरा ना जनरल साइंस में कवर करूंगा, सो यू नीड नॉट टू वरी। ओके आपको सर, सिर्फ आपको जितना होता है, अगर मैं वीडियोस देता हूँ उस वीडियो को कंप्लीट करना है, अगर मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ तो लाइव में आना है, लेक्चर मिस मत करो। लेक्चर का अगर टाइम नहीं मिलता है, रात को होने से भी लेक्चर देख लो और पॉइंट्स नोट कर लो। तो जनरल साइंस का तो एकदम पक्का 30 नंबर है ना, इसमें से एकदम आंख बंद करके 28 हम लोग लेके आएंगे। मैथमेटिक्स में भी वही करेंगे, मैथमेटिक्स का एकदम अगर कम छोड़ भी देते हो ना तो 2 नंबर छोड़ दो, 28 नंबर मुझको यहाँ से चाहिए। सो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस 100 में ना 100 नंबर्स कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हाथ में समय कितना है, 90 मिनट्स है। सो जो रीजनिंग का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कहाँ पे होता है पता है, रीजनिंग, क्योंकि जो साइंस का क्वेश्चंस होगा वो ऐसा होगा कि अगर आप देख के अगर होता है तो आप कर दोगे, नहीं होता है तो छोड़ दोगे। जनरल अवेयरनेस में 1 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता है तो फिर आप छोड़ दोगे, लेकिन टाइम खाएगा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है ना। सो सर यहाँ पे अपने को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और स्किल की जरूरत है। जैसे शॉर्टकट टेक्निक्स जो है, जितने भी टेक्निक हम लगा सकते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार। ठीक, सो यहाँ ठीक से मैं अगर देखूँ सबसे बड़ा सिलेबस ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि इसमें हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, जियोग्राफी आएगा, सब कुछ, करंट अफेयर्स आएगा, सब कुछ आएगा। और मिला के आपको नंबर्स कितने मिल रहे हैं, ओनली 15। तो इसको ना एकदम दिन में थोड़ा सा टाइम देके ऐसे ही देखते हुए चलो। कुछ चीजें मैं दूंगा उसको देख लो, बाकी अगर आपके पास टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो ऐसे ही जनरल अवेयरनेस है ना, तो उसी तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। इसको बहुत सीरियसली लेके बैठ के फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ना तो हम इसका सिलेबस कवर कर पाएंगे और ना ही वो सारी चीजें हमको याद रहेगा, हिस्ट्री वगैरह वगैरह सारा चीज को याद नहीं रह सकता है ना, टाइम कम हाँ है। सर, लेकिन हम मार्क्स का यहाँ पे एकदम बढ़िया तगड़ा मार्क्स उठा सकते हैं। तो 30+25 55 एंड जनरल साइंस का 30, ये तीन जगह अपना एकदम सॉलिड होना चाहिए, कि साइंस से 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए, मैथ्स से 1 नंबर कटना नहीं चाहिए। रीजनिंग में इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चंस होता है, आंसर छोटा होता है लेकिन उसमें टाइम लगता है बहुत, पॉइंट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक, तो ये सिलेबस ठीक हमको समझ में आ गया है सबको? सर, वो ब्रांच नहीं है क्या सर CPT 1 में? नहीं, सीबीटी वन में ब्रांच का नहीं आया। सिर्फ CPT 2 में होगा? हाँ, अब सीबीटी टू का देखो, सीबीटी टू का 150 नंबर्स का क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन रहेगा, और टाइम रहेगा 120 मिनट्स। तो यहाँ पे भी समझ रहे हो कि समय के साथ दौड़ना पड़ेगा आपको, है ना, कि आप कर सकते हो, देख के फायदा नहीं है, क्योंकि करने को सब लोग कर लेंगे, समय के साथ कौन जी कितना स्पीड में कर सकता है वो इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा है कि जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 15 नंबर है, जनरल साइंस का 15 नंबर है, तो ये 13 मार्क्स, फिर कंप्यूटर का 10 नंबर एंड एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन का 10 नंबर, ये टोटल होता है आपका 50 नंबर नॉन टेक्निकल से।
और सीबीटी टू में आपका रहता है टेक्निकल पेपर 100 मार्क्स का। ये जो 100 मार्क्स होगा सीबीटी टू का, इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि सीबीटी वन में तो टेक्निकल नहीं है तो हम लोग सीबीटी वन दे दे और उसके बाद सीबीटी टू का लिए टेक्निकल पकड़ेंगे, ऐसा गलती मत करो। हमको भाई वहां पे प्लेसमेंट चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने सीबीटी वन पास कर लिया तो गोल अचीव हो गया। अपने को चाहिए कि ये जो लाखों बच्चे आ रहे हैं वहां से सिर्फ एक सीट मुझको सिक्योर करना है। उसके लिए मैं जो कुछ हो वो करने को तैयार हूँ। तो इस टेक्निकल का भी अपने को स्ट्रेटेजिकल खेलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकल बोलने से क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो देखो कॉन्सेप्ट। आप लोग ना क्या गलती करते हो कि शुरुआत से ही एमसीक्यू शुरू कर देते हैं और मतलब 5,000 एमसीक्यूज में रट्टा मारे जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी मारे जा रहा है। तो वैसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है अरे हमेशा। हाँ बोलो। ये मेरा मेरे ऐसे मेरे मेरे को होता है सर, मतलब हाँ तो एमसीक्यूज एमसीक्यूज हाँ शुरू करने से पहले ना कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, हाँ सर अदरवाइज आप किताब लेके बैठोगे और 5,000 एमसीक्यूज मैंने 2 बार नहीं 3 बार खत्म कर दिया पूरा किताब, फिर भी मैं जाके ना फंस जाता हूँ थोड़ा सा इधर से उधर में, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है भाई। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, जब समय हो तो कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जितना टाइम आप पढ़ते हो उससे ज्यादा टाइम सोचने में देना चाहिए। जितना टाइम हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने में तो पढ़ लिए, पकड़ लो आपने एक लेक्चर देखा जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें किया, करंट का, पावर का, एनर्जी का, और फिर आपने हाँ भाई ये तो हो गया, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बढ़िया, अब निकल गए और फिर मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठ गया। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट जब पढ़ते हो तो एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा या फिर एक चैप्टर को पढ़ा, कुछ टॉपिक पढ़े, उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट टाइम देना चाहिए अपने दिमाग को उसको डाइजेस्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए कि मैंने जो पढ़ा ना उसमें क्या क्या था, क्या मुझको वो सारी बातें समझ में आई, याद हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एग्जैक्टली थोड़ा लंबा समय चाहिए अपने को। एग्जाम से पहले पहले वो सब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का और मशीन्स का जितना लेक्चर रखा हुआ है ना, वो लेक्चर्स को आप देखते रहो, मेरा इंतजार मत करो। वो सारे लेक्चर इतने सुंदर से, इतने बढ़िया से रखा हुआ है कि आप लोग अगर रिपीट करते रहोगे, सिर्फ देखते रहोगे तब भी याद हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक चीज को फिर से लाइव में आप लोगों को, जैसे बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट है ना, और जब हम लोग सिर्फ वही लाइव क्लासेस में भी वही सेम चीज डिस्कस करते रहते हैं तो दिक्कत क्या आता है, दिक्कत यह आता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजों को बोलने में ही समय बहुत ज्यादा लग जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, फोल्डर वाइज आपका लेक्चर रखा हुआ है ऐप में, आपको जाना है वहां पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 सिर्फ सुनो, बैठ के एक बार सुन लिया उसके बाद बैठ के आप उसका नोट्स बनाओ। समझ में आ रहा है? हाँ सर, और नोट्स भी ऐसा हो ना, नोट्स बहुत साफ सुथरा नोट्स होना चाहिए और उसमें लेंथी चीजें नहीं लिखना चाहिए, टॉपिक वाइज डॉट 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 पॉइंट वाइज लिखते जाओ, चीजों को समझो। और हमेशा एक चीज देखना, टेक्निकल जब पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि पकड़ लो, मैं जब बोल रहा हूँ कुछ, मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ कुछ चीजें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जब तक मेरा लेक्चर खत्म होता है ना वो सारा चीज आपके समझ में आ जाएगा। एक बार सुन लिया फिर से एक बार रिपीट कर लो, देखो कि चीजें एकदम, हाँ आप क्या बोल रहे हैं सर, सब समझ में आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आ। ठीक, तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या मैंने अभी तक बात किया कि CVT 1 के लिए हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस को, यहाँ से नेट 60 नंबर मुझको मिलेंगे और उस 60 में से ना एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। दूसरा मेरे पास बचता है यहाँ पे 25+15, ये 40 नंबर्स बच जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का।
इसमें जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत भास्ट है और उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का मार्क स्कोरिंग होगा, बट क्या होता है इसका क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने का जो हमारा टेक्निक होना चाहिए वो हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। जो टेस्ट सीरीज हमने दिया हुआ है उसमें ये सारे क्वेश्चंस है और बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहो एक टाइम पे डेली बेसिस। दूसरा, सीबीटी टू के लिए अभी से तैयारी करेंगे टेक्निकल पार्ट का। क्या चीज करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे कि मेरे को समझना है पहले, तो चलो अभी सीबीटी वन तक ना सिर्फ समझना है मुझको, और कुछ याद रहे ना रहे बात की बात है, एमसीक्यूज वगैरह बात की बात है, मैं सिर्फ समझ जाऊं। एक बात कहा था अब्राहम लिंकन ने कि अगर मुझको ना एक पेड़ काटना हो, एक पेड़ काटना है 6 घंटे में, अगर मुझको इस पेड़ को काटना है, देन आई विल स्पेंड 4 आवर्स इन शार्पनिंग माई एक्स, जो मेरा कुल्हाड़ी होगा उस कुल्हाड़ी को धार लगाने में 4 घंटा लगा दूंगा, 2 घंटे में इसको काट के गिरा दूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी लिए और शुरुआत से ही ना इस पे मारना शुरू करते हैं, 6 घंटा क्या 12 घंटा में भी घंटा कुछ नहीं होना। समझ में आया मेरी बात? हाँ सर, तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। मैथमेटिक्स में देखो, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, दीज आर द 20 मेन टॉपिक्स जिसमें से सवाल पूछे जाएंगे। 30 नंबर का सवाल होगा। तो आपको वही चीज देखना है कि जहां पे लगता है, जैसे ये रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज का प्रॉब्लम हो गया, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम, इसको प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि देखने से ही ना आपको पता चल जाए, कम से कम एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, वो सब कैलकुलेशन वहां पर बैठ के करने का टाइम नहीं है, देखेंगे और मारेंगे आंसर, है ना, उस टाइप का प्रिपरेशन होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग्स में ये सारे टॉपिक्स है, एनालॉजीज है, तुम्हारा अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, देन डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट्स। तो इसको शुरुआत से देखना जरूरी है क्योंकि मैंने जैसे बोला इसका क्वेश्चंस जो रहेगा बहुत लेंथी टाइप का रहता है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखो तो बहुत लंबा सिलेबस है, जैसे जब मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स, इसका कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई चैनल आप देख सकते हो जो यूपीएससी या फिर एपीएससी इस टाइप का प्रिपरेशन कराता है ना, यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स कराता है, डेली आधा घंटा करंट अफेयर देख लिए, उसमें से डॉट डॉट पॉइंट्स नोट कर लिए, बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट मत करो। दूसरा है इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी में आई विल कवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसी चीज को देखना, जैसे रिवर हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल जो भी चीजें होती है दैट आई विल बी कवरिंग, और जो हमारे सीबीएसई रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको देख के चले जाना। हिस्ट्री, कल्चर, अब हिस्ट्री बोलेंगे तो ये तो बहुत लंबा चीज हो जाता है ना, तो सर, उसके ऊपर उतना याद भी नहीं रहता है, फिर भी ऐसे पढ़ के जाएंगे, देखेंगे, स्टोरी टाइप पढ़ के जाएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ओनली 15 नंबर्स रहेगा। जो भी वीडियोस मिलता है वीडियोस देख लो तो ठीक है, किताब पढ़ के इसको टाइम वेस्ट मत करो। सीबीएसई का बुक्स जो है ना वही पढ़ लेना, अगर किसी को बहुत ज्यादा ये करना है तो 7 से लेकर 10 तक का बुक्स एक बार पढ़ लेना, उसी में मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज, देन जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको अपने को देखना चाहिए जनरल अवेयरनेस।
जनरल साइंस के जैसे मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, ये तीनों अप टू क्लास 10th लेवल का जो साइंस है सीबीएसई का बुक है वही पढ़ने से सफिशियंट है, उससे ऊपर एक लाइन नहीं आएगा उसी के अंदर। तो ये मेरा सीबीटी 1 का यहाँ पे खत्म होता है। एंड आई होप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा सिंसियरली करो तो इजीली कर सकते हो, बट रिमेम्बर माय वर्ड्स, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी। सीबीटी 2 के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की जरूरत होगी, सीबीटी 1 में नहीं है, इसको अभी देखना ही नहीं, इसमें एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीबीटी 1 के बाद शुरू करेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इनको एमएस ऑफिस, हाँ डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट ईमेल, वेबसाइट्स, तो ये सारी बातें हम मैं लोग बाद में करेंगे। काफी एनवायरनमेंट सोच पोल्यूशन आपके जनरल्स जो अवेयरनेस है उसमें भी रहा लगेगा, था। मतलब जनरल अवेयरनेस में भी आपका लगने वाला है ना एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, तो वो तो थोड़ा बहुत सबको पता ही है, थोड़ा सा देखना है आपको। तो ये सारी चीजें ना एकदम जो सिलेबस मैंने दिया है उसको ग्रुप में भी डाल दूंगा पीडीएफ, सिलेबस के हिसाब से आप आपका तैयारी करेंगे एंड रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो आज पढ़ लिया और कल भूल गए, फिर परसों एक बार देख लेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक टाइम सेट कर लो जहाँ पे आप लोग क्या करोगे, टेक्निकल पढ़ोगे और मेजोरिटी से टाइम अभी नॉन टेक्निकल पे देना है, लेकिन दिन का 1-2 घंटा कम से कम टेक्निकल के लिए देना ही देना है, उसको मिस मत करो। अभी जो लोग क्या कहते हैं जेएम या फिर एएम कोर्स परचेज कर लिए हो उनके लिए नहीं है, इसको परचेज करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग जेएम एएम ग्रुप में नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स ओनली 1150 रुपीज पे है सीबीटी 1 के लिए, उसके साथ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। अगर आप लोग ये कोर्स क्रैश कोर्स नहीं लेते हो उनको लेना है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज भी 799 पे नहीं, अभी डिस्काउंट कुछ 300 समथिंग होगा, उसको देख लेना एप्लीकेशन पे। तो टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया से रखा हुआ है टेस्ट सीरीज, उसको कर लें, सब लोग कर लें। एम आई क्लियर एवरीवन? देखो लास्ट मेरा ना 2023 का जो बैच था एपीडीसीएल का, आई वाज मच सेटिस्फाइड, मैंने मैंने सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का रिजल्ट आएगा। तो आरआरबी जेई में भी इसी तरीके का मेरे को रिजल्ट चाहिए, इस तरीके से आप लोगों का फोटो भी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ और बहुत तगड़ा तैयारी के साथ देखना चाहता हूँ। एम आई क्लियर? सर तो किसी को अगर कुछ बोलना है तो बोल। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी। ज्योति हाउ आर यू, कैसा यस सर फाइन। चल रहा है, तुम देख रहे हैं लेक्चर वीडियोस? हाँ सर देख रहा हूँ सर। अभी ओके थोड़ा टाइम कम मिल रहा है सर। मैं अभी 29 को मेरा वो एग्ज़ाम है सर, ADRA का, वो भी मैं दे रहा हूँ। ओके ठीक उसका प्रिपरेशन में सर थोड़ा जुड़ा हूँ। है, ठीक कर लो। जहां पे भी देखो मेरा मेरा थोड़ा ये होता है क्या कि बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं ना, तो मैं सबको उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जितना देना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ओपन हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग कभी भी जो प्रॉब्लम होता है, जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम लगता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कि सर इस टॉपिक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर ये सवाल मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो आई एम अवेलेबल। रात के 2 बजे होने से भी आप मुझको व्हाट्सएप करके छोड़ दो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, और जो ट्रेनिंग में है जैसे ज्योति पीएलसी वगैरह देख रहा है, जो समझ में ना आए जैसे जहाँ पे प्रॉब्लम लगे कॉन्टेक्ट करो। अक्टूबर 1st से रेगुलर आप लोगों का लाइव क्लासेस शुरू होगा,
उसमें बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दिक्कत यह है ना कि लाइव क्लास में बहुत कम अटेंड करते हैं, तो इससे बेटर है चलो ठीक है मैं वीडियोज ही दे देता हूँ, है ना। और जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका क्लास बोल के ही मैं क्लास लेता हूँ, मेरे जितना सारा क्लासेस है ना वो सब इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एडीआरई के लिए बोलो या फिर ये आरआरबीई का बोलो या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग का बोलो। अगर मैं दे रहा हूँ लिंक तो उसको ज्वाइन करो या फिर वीडियोस देख लो, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो काम में आएगा, है कि नहीं। ओके सर, एकदम बढ़िया से करना है। हाँ सीखा बोलो, कुछ बोलना है तो। नो सर, मैंने अभी तो डाउट क्लियर हो गया है सिलेबस के रिगार्डिंग। सर आप ये कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे थे सर, वो थोड़ा रिपीट करके देंगे क्या? थोड़ा ये नेटवर्क इश्यू था तो मुझे क्लियरली मतलब ये नहीं हुआ। हाँ टेस्ट सीरीज का बोल रहा था कि आप लोग एप्लीकेशन में जाके CVT 1 CVT 2 दोनों का टेस्ट सीरीज है, और ये टेस्ट सीरीज जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सबके लिए है। CVT 1 तो कॉमन है, और CVT 2 के लिए भी ना टेक्निकल पेपर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए रखा हुआ है वहाँ। सो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको परचेज कर लेना, अभी ऑफर है और डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक टेस्ट पेपर करो ना, फिर से रिपीट करना उसको। करने से क्या होता है, टेस्ट देने से क्या होता है ना, आपको भी पता चलता है कि आपका अभी का स्टेटस क्या है, कितना टाइम लग रहा है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक टेस्ट दे दिए, देखे कि हाँ भाई मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है। चलो ठीक है नहीं बन रहा है तो अपने को अवेयर रहना चाहिए कि नहीं बन रहा है इस टॉपिक पे, मेरे को और थोड़ा ध्यान देना। सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक कंपटीशन टफ है, बट एक बात याद रखना कि अगर आप टॉपिक वाइज ये जितना सिलेबस का टॉपिक मैंने लिखा है ना वो टॉपिक को लिख लो, मैं दे दूंगा PDF या फिर प्रिंट लेके लगा के रखो, और फिर टॉपिक वाइज देखो कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके ऊपर MCQs लगाते हैं। पहले टॉपिक को क्लियर करना है उसके बाद MCQ लगाना। ऐसा मत करो, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी आपके हाथ में 2-3 महीने का समय है। अभी से क्या होगा ना, जो बच्चा मैं बोल बोल दे रहा हूँ, जो बच्चा ये करेगा कि चलो ठीक है अभी तो मैंने ले लिया ये चैप्टर 1, मैं इसका MCQs करता हूँ, और उसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और वो MCQs करते जा रहा है, वो ब्लंडर है। क्योंकि आपको याद नहीं रह सकता है इतना सारा चीज, नहीं रहेगा, इसीलिए टॉपिक का क्लियर होना जरूरी है और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी जरूरी है। आर यू एम आई क्लियर? यस सर, तो टॉपिक को पढ़ो, पढ़ने से ज्यादा वीडियोस देखो। वीडियोस देख लिया पहले, वीडियोस देखो, वीडियो देख लिया, लेक्चर देख लिया, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर आप नोट्स बनाओ, अपने से बैठ के आराम से 10-15 मिनट समय ले लो, और फिर सोचो कि हाँ भाई ये पॉइंट था ये पॉइंट था, या फिर वीडियो देखते टाइम पॉइंट नोट कर लो, हाँ ये पॉइंट है। दो चीज एक साथ नहीं होता है कि इधर मैं वीडियोस देखते जा रहा हूँ इधर से मैं लिखता जा रहा हूँ, क्या होता है इसमें, क्यों बोल रहा हूँ। जब आप किताब खोल के ना, किताब पढ़ पढ़ के आप ऐसे ऐसे करके नोट्स बना रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उस नोट्स का कोई मतलब नहीं बनता है। नोट्स बनाने का मतलब कैसे बनता है मैं बताऊं, कि आपने एक चैप्टर लिया, आपने उसको पढ़ लिया, पढ़ के पढ़ते टाइम आप टॉपिक या पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है, फिर किताब को बंद करके ना उस पॉइंट के ऊपर नोट्स बनाना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, तो क्या होता है वो एकदम सेट हो जाता है। दूसरी बात है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है, ऐसा नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो तो फुल कंसंट्रेटेड आप उस टॉपिक के अंदर हो, आपका क्या होता है दिमाग में 50,000 चीजें चल रही है और उसके साथ आप पढ़ते जा रहे हो और कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। बट वेन यू स्टार्ट राइटिंग उस वक्त आपको उस टॉपिक के बारे में ही सोचना पड़ेगा, और कुछ सोच के ना आप लिख नहीं सकते हो, इसीलिए लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, और नोट्स खुद का होना जरूरी, किसी दूसरे का नोट्स ले लिए उससे पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, प्रिंट आउट ले लिए PDF ले लिया मतलब नहीं बनता है, आपका खुद का होना चाहिए। अभी आपके हाथ में उतना टाइम है नहीं कि आप पूरा डिटेल्स में नोट्स बनाओ फिर पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं है, अभी साइमल्टेनियसली करते रहो, ठीक है। मेनली टेक्निकल लेक्चर्स
देख लो सारा लेक्चर एक बार देख लो, न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख के रखो, फिर समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, इंडक्शन का देखोगे, डीसी मशीन्स का देखोगे, एक बार में किसी का क्लियर नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। कम से कम 2-3 बार एक एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब जाके आपका दिमाग पे वो सेट होगा, फॉर्मूला क्या था, कैसे रिलेट कर रहे हैं। और मेरा सारे लेक्चर्स में मैं रिलेट करके गया हुआ, मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो अगर मैं डीसी पढ़ा रहा हूँ और उसमें अगर कुछ इंडक्शन का कुछ बताना है वहां पे बताया हूँ, सो दैट इट कैन बी इजीली ग्रैप्स, है ना, तो इजीली याद रहेगा मेरा टेक्निक अगर फॉलो करते हो। ओके ज्योति दे रहा है क्या जी RRB? हाँ सर, दे रहा हूँ। ओके बढ़िया से दो। हेलो सर। हाँ 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 सर। एकदम बढ़िया से, बढ़िया से तैयारी करके दो। आई एम विथ यू, और इस तरीके से तैयारी करेंगे कि मिस नहीं होना चाहिए। ओके ओके सर। तो ओके आज सर। के लिए यहाँ पे ये खत्म करते हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। और थैंक यू शेयर कर सर। देना सबको। हाँ शेयर कर देना, और दोस्त लोगों से भी शेयर कर देना, बिकॉज ये बड़ा एग्जाम है, तो जितने लोग मिलके तैयारी करोगे ग्रुप, हमारे एप्लीकेशन पे भी ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप बना के वहां पे डिस्कस करो। मैंने देखा है जितने बच्चे ना ग्रुप डिस्कशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज्यादा नॉलेज मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया और मैं उसको रख दूं, अरे ये तो मेरे को पता चल गया, मैं रख लेता हूँ किसी और को नहीं बताऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन 2-4 लोगों से नहीं है, आपके बैचमेट्स जो है उससे नहीं है, लाखों लोगों से है। तो कुछ अगर जान भी गए हो तो वो अगर बाकी लोग भी जानते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना ज्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा बेटरमेंट सबका होगा, आपका भी होगा साथियों का भी। एपीडीसीएल में भी मैंने देखा है जो ग्रुप बना के पढ़ते थे, पकड़ लो एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना लिए, 10-12 बच्चे थे, सबका सिलेक्शन हुआ उस पेज का, क्योंकि वो लोग रेगुलर वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आप लोग भी बना सकते हो, एप्लीकेशन में वो ऑप्शन है, ग्रुप बनाओ वहां पे भी डिस्कस करो, मैं हूँ, कुछ चाहिए मेरे से ऑलवेज देयर। ओके एवरीवन, चलो बाय बाय आज के लिए, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू सर।